मेरे दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट शाश्वत, एसेंस ऑफ एशिया में आप सबका स्वागत करता हूँ। जिस खुशखबरी के लिए हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो सामने आ ही गया। चार धाम यात्रा के ऊपर जो रोक थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के सामने आज हम पेश करेंगे। आप सब जानते हैं कि 2021 का चारधाम यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी की। क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के अनुसार कोरोना अतिमारी के बचाव संबंधित व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं थे, इसीलिए इस साल चारधाम यात्राओं के ऊपर रोक बरकरार थी। इसी फैसले के खिलाफ उत्तराखंड राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई भी नहीं हो रही थी और बहुत समय लग गया, तो राज्य सरकार ने SLP वापस ले ली थी। उसके बाद 10 सितंबर में राज्य सरकार ने फिर हाईकोर्ट में अनुरोध पत्र दाखिल की थी। इस पर आज यानी 16 सितंबर नैनीताल हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई, लिहाजा हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के ऊपर एक बड़ी फैसला लिया। वो रोक हटा दी गई और बहुत जल्द यात्रा शुरू होने की संभावना है और कुछ प्रतिबंधों के साथ ये यात्रा शुरू होगी। प्रतिदिन केदारनाथ के लिए 800, बद्री विशाल के लिए 1200, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 यात्रियों की अनुमति दी जाएगी। हर वक्त या यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। वक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। न्यायालय ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाले चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। आशा करता हूँ कि बहुत जल्द यात्रा शुरू हो जाए। इस यात्रा के लिए क्या क्या नया नया कोविड रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या नियमों को पालन करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाएगा। और इस वीडियो को ढेर सारे शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए।